हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369. सो आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज. लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है. तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो. जब मैं कार्ड्स को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, ताकि रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके. मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है. तो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को. और एक और चीज़, अगर आप भी मेरी तरह एक टैरो रीडर बनना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी करना चाहते हैं, एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं. मेरा नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. ओके, सो आज ही आप एनरोल कर सकते हैं कोर्सेज के लिए. सो लेट्स स्टार्ट टुडे गाइस. चलिए, तो अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार और देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं. मेरे साथ प्रे कीजिए. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए आज सुबह क्या है. ओके, सो वी हैव एम्परर, देन वी हैव 8 of Pentacles, पेज ऑफ वैंड्स, 7 of Wands, 9 of Cups, Ace of Swords, Five of Wands here, ठीक है. And the last card we have is, okay, great, 2 of Cups. ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उनके जोडियक साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे जोडियक साइंस यहाँ पर हैं. सभी एलिमेंट्स के लिए रीडिंग रहेगी. इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हुए आज हम बात करेंगे. सबसे पहले यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है. लेट्स चेक आउट कि एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है. एम्परर की एनर्जी को जस्टिस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है. ओ माय गॉड. ओके, सो एक एनर्जी है जो रिवेंज की है और एक एनर्जी है जो कर्मा की है. दोनों ही एनर्जी एक साथ निकल कर आई है. अब आप खुद सोचिए कि कितना रेयर कॉम्बिनेशन है ये. ओके, सो यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, इट्स दैट एनर्जी जहाँ पर आपके आपके पार्टनर ना मे बी आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपके साथ शायद कनेक्ट होना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा आपके बारे में जैसे सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके थॉट प्रोसेस में आप चल रहे हो, उनके थॉट प्रोसेस, उनके माइंडसेट में इस समय आप हो. और मैं ये देख रही हूँ कि ये आपसे बात करना चाहते हैं और बात कर कर चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं. बट यू नो आपके पार्टनर को क्या फील हो रहा है, उनको फील हो रहा है कि अगर वो आपसे बात करेंगे ना तो यू विल टेक रिवेंज, आप रिवेंज लोगे. अगर वो आपसे बात करेंगे ना तो आप जो हो उनसे बदला लोगे. अब उनको क्या है, आपके बिना बिल्कुल भी पीस नहीं है. और अगर वो, उन्हें पता है कि अगर वो आपकी तरफ आए तो आप जो हो, उन्होंने आपके साथ इतना गलत करा है, इतना आपको अपने पीछे भगाया है, इतना दिल तोड़ा है आपका, आपके साथ चीटिंग करी है, ठीक है. तो अगर वो किसी तरीके से आकर आपको अप्रोच करते हैं ना, तो आप भी उन्हें अपने पीछे भगाओगे, आप भी उनसे रिवेंज लोगे. सो दिस पर्सन इज राइट नाउ इन दैट एनर्जी जहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप चेंज हो गए हो. उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव अब आपके अंदर आ चुका है और अब आप उन्हें आसानी से माफ नहीं करोगे, ठीक है. तो योर पार्टनर इज राइट नाउ इन दिस एनर्जी जहाँ पर उनको लगता है कि यू विल टेक रिवेंज फ्रॉम दिस पर्सन, क्योंकि आपको तब तक पीस नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इतना गलत ये करके गए हैं आपके साथ. उन्हें भी लगता है कि आपको तब तक पीस नहीं मिलेगा जब तक आप से वो, आप उनसे रिवेंज नहीं ले लेते हो, आप उस चीज़ का बदला उनसे नहीं ले लेते हो, ठीक है. तो अगर वो ये सोचकर भी इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं ना कि उन्हें इस रिश्ते में पीस मिलेगा, उसे उन्हें इस रिश्ते में शांति मिलेगी, तो शायद वो शांति, वो पीस उन्हें नहीं मिलेगा, उनको ऐसा लग रहा है. ओके, तो यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं उसी थॉट पैटर्न में है जहाँ पर उनको लगता है कि अब वो तो आपको जस्टिस नहीं दे पाए, लेकिन आप अब खुद ब खुद कहीं ना कहीं जस्टिस चाहोगे.
और वो अगर आपको देख रहे हैं ना, तो देयर इज अ बिग चेंज इन यू, जहां पर अब आप उन्हें चेज नहीं कर रहे हो, अब आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, उन्हें इग्नोर कर रहे हो, उन्हें इवन आप एटीट्यूड दिखा रहे हो, विच मीन्स के अब आपके दिल में जैसे उनके लिए कुछ नहीं है, अब जैसे आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स नहीं है, तो आपके पार्टनर आपको उस एनर्जी में देख रहे हैं जहां पर उनको लग रहा है कि अब आप उनके बारे में नहीं सोचते हो, वो सिर्फ वही हैं जो आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन अब आप उनके बारे में नहीं सोचते हो, ऐसा आपका पार्टनर के थॉट पैटर्न है और ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। लेट्स चेक आउट कि एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। एट ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अब उनकी हालत अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो इट इज एनर्जी ऑफ फाइव ऑफ सोर्ड्स। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पार्टनर इस समय बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ पर भी आप उनकी एनर्जी को देखोगे ना, तो बहुत जख्मी है, जैसे आपको लगेगा जैसे वो बहुत जख्मी है। ये उनकी नहीं बल्कि उनके अंदर की हालत है, उनके मन की हालत ये है, उनकी सोल की हालत ऐसी है जहां पर ये बहुत ज्यादा जख्मी है अंदर से। ओके एंड इन्हें आपके पास आकर जो एक पीस मिलता है ना, ये उस पीस को पाना चाहते हैं, उस शांति को पाना चाहते हैं, उस सुकून को पाना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन ये उस एनर्जी में है, उन्हें लगता है कि आपके पास आकर उनको इमोशनल अबंडेंस मिलती है, आपके पास आकर उनको खुशियों की अबंडेंस मिलती है, अपनापन मिलता है, कंफर्ट जोन उन्हें आपके पास आकर मिलता है, ठीक है। लेकिन जब जब वो आपसे दूर होते हैं ना, उनकी हालत ऐसे हो जाती है, ठीक है, जहां पर वो खुद को जख्मी महसूस करने लगते हैं। उनको लगता है कि यू नो, आप उनके जिंदगी में आए थे ना, आप खुशियां, ढेर सारी खुशियां लेकर आए हो उनकी जिंदगी में, अब आप उनसे दूर जा रहे हो ना, तो उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी से वो खुशियां भी चली गई हैं, उनकी जिंदगी में वो जो खुशियों की अबंडेंस आपके आने से आई थी ना, वो खुशियों की अबंडेंस भी अब उनकी जिंदगी में नहीं है। वो अपने आप को इस हालत में पा रहे हैं, ठीक है, अपने आप को ऐसा पा रहे हैं जैसे वो जख्मी है, विक्टिम है, ठीक है। उनको लगता है कि जो भी उन्होंने करा, वो खुद अपने ही एक्शंस, अपने ही बर्ताव से ये पर्सन डिसअपॉइंटेड है। उन्हें वो एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने गलती करी है, आपका दिल तोड़ा है, आपके साथ आपको डिसरिस्पेक्ट करा है, आपकी वैल्यू नहीं समझी, या फिर आपको चीट भी कराना, तो ये पर्सन एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को। पर ये भी जानते हैं कि उस चीज़ से आपको कितना पेन मिला होगा, आपको कितनी सफरिंग्स उन चीज़ों से मिली होगी। लेकिन ये पर्सन ना, इनको भी इनकी लाइफ भी कोई इजी नहीं है, इनकी लाइफ भी बहुत चैलेंजेस दिख रहे हैं, इनकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स मुझे नजर आ रही हैं। तो यस, ये पर्सन भी अंदर से हैप्पी नहीं है। इफ़ यू आर थिंकिंग ये पर्सन अंदर से खुश है, हैप्पी है, तो नो, ये पर्सन भी खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। पेज ऑफ वन की एनर्जी को भी नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, यानी ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान यहाँ पर भी मुझे नजर आ रहे हैं। मे बी कल रात ये सही से सोए नहीं, मे बी इनकी ऐसी एनर्जी है जहां पर कल पूरी रात ये आपको स्टॉक करते रहे, आपको देखते रहे, आपके बारे में ही सोचते रहे। इनकी बहुत डिजायर हो रही थी कल रात की आपसे बात करें, आपको कॉल करें या आपको मैसेज करें, इनकी बहुत डिजायर थी आपसे बात करने की। ये ओपन अप होना चाहते हैं, ये खुलकर आपके सामने आना चाहते हैं, लेकिन वही एक डर कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आपका एक नेगेटिव एक्शन या आपका आपका इनसे रिवेंज लेना, वो चीज ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने जो है आपसे बात करी, लेकिन आपका रिप्लाई अच्छा नहीं था, ठीक है, आपका एक्शन उनके टूवर्ड अच्छा नहीं था, ठीक है, तो उनको लगता है कि अब शायद चीजें सही नहीं हो सकती हैं। हो सकता है कि ये भी कुछ हुआ है, कुछ लोगों की लाइफ में ये चीज भी हुई है। सेवन ऑफ वैंड की एनर्जी ये दिखा रही है कि आप खुद के लिए स्टैंड लेना तो सीख चुके हो। ये देखिए कितने लोग आपके अगेंस्ट हैं, लेकिन आप फिर भी खुद के लिए स्टैंड लेना सीख चुके हो। योर पार्टनर इज सीइंग यू इन अ वेरी पावरफुल एनर्जी। आपके पार्टनर आपको एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी में देख रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से क्लैरिफाई कर रही है, वो देख पा रहे हैं कि आप बहुत पावरफुल हो, आप अपने लिए अब स्टैंड लेना सीख चुके हो, अब आप पहले की तरह इमोशनल नहीं रहे हो, ठीक है, पहले की तरह आप उस एनर्जी में नहीं हो कि कोई भी आए आपको मैनिपुलेट कर ले, आपको डोमिनेट कर ले, आपको कंट्रोल कर ले, ठीक है। पहले इन्होंने आपको बहुत डोमिनेट करा है, बहुत कंट्रोल करा है, लेकिन अब ये आपको देख पा रहे हैं कि आप एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी में हो, आप अपने लिए स्टैंड अब ले सकते हो। उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर पास्ट में उन्होंने आपको डोमिनेट करा, आपके साथ गलत करा, आपके साथ गलत व्यवहार भी रखा ना, तो ऐसा नहीं था कि तब भी आप स्टैंड नहीं ले सकते थे, बल्कि इसका मतलब ये था कि तब आप चुप थे, आप
आप सैक्रिफाइस कर रहे थे या सफर कर रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इस रिश्ते को मेंटेन करना चाहते थे। तो यस, आपके पार्टनर भी इस चीज को समझ रहे हैं कि तब अगर आप चुप थे ना पास्ट में तो उसका रीजन ये था कि आप इस रिश्ते को बनाए रखना चाहते थे, इस रिश्ते से निकलना नहीं चाहते थे। लेकिन आप हो, आपको जो वो समझ रहे थे आप वैसे नहीं हो, आप वैसे इमोशनल इनोसेंट नहीं हो, ठीक है, वो तो आप सिर्फ इनके लिए थे क्योंकि आप इस रिश्ते को बचा रहे थे, लेकिन रियलिटी में आप बहुत ही पावरफुल पर्सन हो, आप अपने लिए स्टैंड लेना जानते हो और आजकल आप ले रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आपको अगर ये देख रहे हैं तो आप बहुत ही पावरफुल एनर्जी में दिख रहे हो अपने पार्टनर को। नाइन ऑफ कप को यहाँ पर सेवन ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, विच शोज के आपके पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं। मे बी अभी तक इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया है, कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन ये बहुत जल्दी कोई फैसला लेते हुए भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। मे बी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, कल्चर को लेकर हो सकता है कि आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस है, फैमिली बैकग्राउंड का डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। एंड अभी तक आपके पार्टनर इस चीज को लेकर श्योर नहीं है कि उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, वो आपसे शादी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अभी भी इन सवालों के जवाब जैसे आपके पार्टनर ढूंढ रहे हैं, लेकिन हाँ एक चीज है कि वो इस चीज को जरूर रियलाइज कर चुके हैं कि उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है, लेकिन हाँ वो आपके लिए अभी कोई डिसीजन नहीं ले पाए हैं, अभी तक वो इस रिलेशनशिप के लिए कोई फैसला नहीं कर पाए हैं, अभी भी सवाल है, ठीक है। ओके, सो एस ऑफ सोर्ड्स विद टेम्परेंस, ये पर्सन अपने आप में क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, मतलब इट्स दैट एनर्जी जहां पर एक कंफ्यूजन की एनर्जी के बाद ही क्लैरिटी निकल कर आई है, तो ग्रेट, यानी कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर जो है वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि आपके सामने आकर आपसे बात कर सकें। अभी तक नहीं थी ना इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी, वो पावर नहीं थी कि आपसे नजरे से नजरे मिलाकर आपसे बात कर सकें, चीजों को क्लियर कर सकें। बट राइट नाउ आई कैन सी योर पार्टनर इज इन दिस एनर्जी जहां पर वो अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ एक्यूमुलेट कर देना चाहते हैं, इतनी पावर लेकर आना चाहते हैं कि वो आपसे बात कर सकें और चीजें क्लियर कर सकें, आपको क्लैरिटी दे सकें। ओके, सो ये आपको दिखा सकें कि हाँ ये भी रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो यस, मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की देख रही हूँ जहाँ पर ये अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, वो स्ट्रेंथ अपने अंदर, वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं कि वो आपसे बात कर सकें। ओके, सो दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। और साथ ही साथ यहाँ पर फाइव ऑफ वैंड को जो क्लैरिफाई कर रहा है इज मजिशियन, योर पार्टनर इज लाइक अ मजिशियन, ठीक है। बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनैलिटी आपके पार्टनर की है, बहुत लोग इनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। मे बी इनकी कम्युनिकेशन की वजह से, कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकते हैं, इनके हार्डवर्क की वजह से, इनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, या फिर आपके पार्टनर बहुत गुड लुकिंग है, ठीक है, हैंडसम है, ब्यूटिफुल है, गुड लुकिंग है, कुछ तो चार्म है आपके पार्टनर में, कुछ तो ऐसी चीज है उनके अंदर जो बहुत जल्दी बहुत लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि मे बी इट्स दैट पॉसिबल कि इनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, ठीक है, बहुत ऑप्शंस हैं आपके पार्टनर के पास, बहुत लोग हैं जो उनके साथ कनेक्शन में, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बट यस, लेकिन इनका दिल ना आपके पास है। ओके, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ये अपने किसी भी ऑप्शन की तरफ नहीं देख रहे हैं, ये देख रहे हैं तो आपकी तरफ। होता है ना कि जो लोग हम में इंटरेस्ट लेते हैं ना, ठीक है, हमारा ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता है, लेकिन जो लोग हम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते हैं ना, हमारा ध्यान उनकी तरफ ही जाता है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है क्योंकि आजकल आप इनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, आप इन्हें चेज नहीं कर रहे हो, रो नहीं रहे हो इनके लिए, गिड़गिड़ा नहीं रहे हो, इनको कॉल मैसेज बार बार नहीं कर रहे हो, है ना। तो यस, ये पर्सन, और आपको ये करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप जब अब इनमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो ना, इनका इंटरेस्ट आप में बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, ठीक है, इनका इंटरेस्ट, आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में बहुत डेवलप हो गया है। तो आप जिस भी तरीके से अपने सिचुएशन को टैकल कर रहे हो ना, कीप गोइंग इट, वैसे ही टैकल करते रहो, बिकॉज आई कैन सी एक बहुत पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। यू नो इट वेरी वेल कि आपको अपनी सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, कैसे आगे लेकर जाना है, एंड आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी सिचुएशन को टैकल करते हुए भी दिख रहे हैं, कीप डूइंग इट। टू ऑफ कप की एनर्जी भी दिखा रही है कि ये पर्सन आपको कुछ ऐसे ऑफर करना चाहते हैं, विद सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करते हुए नजर आ रहे हैं। मे बी इट्स दैट एनर्जी, इट्स लाइक एनर्जी ऑफ टू एंड सेवन,
कुछ रिपीटेड पैटर्न आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा चल रहे हैं, ठीक है, कुछ एक लूप में जैसे आपका रिश्ता फंसा हुआ है, ठीक है, एक लूप में हो आप एक पैटर्न में चल रहे हो, अब समय आ गया कि वो पैटर्न को ब्रेक करा जाए, यू नो, मतलब इट्स दैट एनर्जी जहां पर हर बार एक पैटर्न चलता है, एक आपके पार्टनर आते हैं, आपसे उनकी आर्ग्यूमेंट होती है, फाइट होती है, या फिर बहुत कुछ वो आपसे कह देते हैं, गोस्ट कर देते हैं उसके बाद आपके पार्टनर आपको, ठीक है, और बहुत लंबा गैप लेते हैं, फिर आपसे आकर बात करते हैं, और जब बात करते हैं तो बहुत विक्टिम एनर्जी में होकर आपसे बात करते हैं और सारा ब्लेम आप पर डाल देते हैं। तो ये एक पैटर्न है जो आपके रिलेशनशिप में हमेशा चलता रहता है, एक लूप में आपका रिलेशनशिप फंसा हुआ सा नजर आ रहा है। बट नाउ इट्स अ हाई टाइम, क्योंकि मैं देख रही हूँ इट्स टू ऑफ कप, यानी एक पैटर्न से आप बाहर निकलोगे, ओके, और अब आप दोनों का जब रीयूनियन होगा ना, इट्स गोइंग टू बी अ परमानेंट रीयूनियन, ओके, ये रीयूनियन परमानेंट रीयूनियन होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि मतलब अब ऐसा नहीं होगा कि आपके पार्टनर आएंगे और आपको गोस्ट करेंगे और फिर से चले जाएंगे या फिर से आपको एक लंबा नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे देंगे। इस लूप से, इस पैटर्न से मे बी बाहर आने की आपको भी कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, सो इस पैटर्न को रिपीट मत होने दो, ओके, सो इट्स दैट एनर्जी। क्योंकि अब अगर आपके पार्टनर आ रहे हैं ना, तो मुझे दिख रहा है अगर ये विक्टिम रोल प्ले कर भी रहे हैं, आप पर ब्लेम भी डाल रहे हैं चीजों का, तो आपको थोड़ा समझने की जरूरत है कि आप भी अब इन्हें खुद चेज मत करो, इन्हें अपने लेसन्स को कंप्लीट करने दो, और अगर ये आप पर ब्लेम डाले तो आप खुद के लिए स्टैंड लो, ठीक है। अब इन ये अगर आप पे ब्लेम डालेंगे ना, तो आपको जरूरत है कि आप खुद के लिए स्टैंड लो, और आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट मुझे लगता है करने की जरूरत नहीं है। ये करेंगे, विक्टिम रोल प्ले करेंगे, ये अपने रीजंस देंगे आपको, इनकी फैमिली ऐसी है, ये वैसा है, ये ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ये रीजंस देंगे आपको, बट अब मुझे लगता है ये आपको कॉम्प्रोमाइज करने को, एडजस्ट करने को कहेंगे। आप हर बार कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट करते आए हो, पर क्या मिला आपको उसके बाद? कुछ भी नहीं। तो नाउ दिस इज अ हाई टाइम कि आप इस लूप को ब्रेक करो और आगे बढ़ो, अपने लिए स्टैंड लो। तो अगर आप एक लूप में फंसे हुए हो, अपने आपको उस लूप से बाहर निकालो, उस पैटर्न से बाहर निकालो, लर्न द लेसन, ओके। हम लूप में तभी फंसते हैं जब हम उस लूप से कोई लेसन नहीं सीख रहे होते हैं। Got it? So, अगर ऐसा है, the seven number means you are in a loop, you are in a pattern, break that loop. Please remind universe, angels, spirit guide और बताएं मेरे viewers को इस connection के बारे में. So, we have an energy of sorrow here, okay, change, traveling, outsider, morality, comparison, rebel, experiencing, okay. मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपका ये सेपरेशन भी हुआ है ना, तो इस सेपरेशन के पीछे भी एक रीजन है, एंड द रीजन इज दैट आपके पार्टनर को अपने लेसन मिले, और मैं देख रही हूँ कि वो अपने लेसन सीख चुके हैं, वो आपकी कद्र कर रहे हैं, वो आपकी वैल्यू समझ चुके हैं, वो आपको रिस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ओके, सो मैं देख रही हूँ कि उन्हें अपने लेसन्स मिल रहे हैं, मिल चुके हैं कुछ लोगों के पार्टनर को, और कुछ लोगों के पार्टनर को जो है अपने लेसन्स अभी मिल रहे हैं, ओके, दैट इज देयर एनर्जी। रिबेल, ऑफकोर्स अगेन सेम एनर्जी, रिवेंज की एनर्जी फिर से निकल कर आ रही है, जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि फिर से आप उनसे रिवेंज लोगे, आप यूं शांत नहीं बैठोगे। अगर उन्होंने आपको अपना ऑफर दिया ना आपके सामने, तो जिस तरीके से वो आपका दिल तोड़ के गए हैं, आप उनका दिल तोड़ोगे। अगर उन्होंने ऑफर दिया तो आप उनको अपने पीछे पीछे घुमाओगे। जो वो आपके साथ करके गए हैं, ये पर्सन इज एक्सपेक्टिंग कि आप सेम चीज उनके साथ रिपीट करने वाले हो, अगर उन्होंने आपसे बात करी तो। तो ये एक जो नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव माइंडसेट है ना आपके पार्टनर का, मे बी दिस इज व्हाट दैट इज स्टॉपिंग दिस पर्सन कि आपको रिप्लाई, आपसे बात नहीं कर पा रहे, ठीक है, इस माइंडसेट की वजह से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे। यहाँ पर भी अगर मैं एनर्जी देखूँ तो इट्स एन एनर्जी ऑफ सॉरो, यानी ये पर्सन बहुत उदास हैं, बहुत दुखी हैं आपके बिना, इन्हें इन्हें भी खुशी नहीं मिल रही है, ठीक है, ये भी अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फैमिली पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज पर भी ये पर्सन फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपके बारे में सोचते रहते हैं, लेजी, लेथार्जी फील करते रहते हैं, ठीक है, दिन हो रात हो, आपके ही थॉट्स इनके माइंड में चल रहे हैं। ये सुबह उठते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं, रात को सोने से पहले आपके बारे में सोचते हैं, एंड दिस पर्सन इज लाइक जहां पर पूरे तरीके से सिर्फ आपके ही थॉट्स इनके माइंड में चल रहे हैं। या सो द चेंज इज ऑल्सो हेयर, यानी चेंजेस तो आ रहे हैं इस कनेक्शन में।
एक काम करते हैं, इस कार्ड्स को ना क्लैरिफाई करते हैं, मैं और क्लियरली बता पाऊंगी आपको। ओके चलो वन सेकेंड। ओके प्लीज डिवाइन एनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं सौरव की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है, प्लीज डिवाइन सौरव की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। सो वी हैड सिंपल रियली, हाउ डू आई फील, आई वॉन्ट अस फॉर एवर। सौरव इसलिए है क्योंकि ये हमेशा आपके साथ होना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे। मे बी इनके ऊपर प्रेशर है, बर्डन है अपनी फैमिली का, फैमिली इनको डोमिनेट करती है, थर्ड पार्टी इनको डोमिनेट करती है, तो ये अपने आप को स्टक्ड फील कर रहे हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इनके एक्शन जीरो हैं, मतलब इट्स दैट एनर्जी जहाँ पर ये कोई एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं। द रीजन इज डोमिनेंस है फैमिली का, थर्ड पर्सन का, और ये सौरव की एनर्जी में अपसेट है उस चीज से क्योंकि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। चेंजेस कैसे हैं यहाँ पर, मिसिंग यू, राइट। पहले आपको लगता था कि ये पर्सन आपको मिस नहीं करता, बिल्कुल याद नहीं करता है, बट नाउ आप देखोगे ना, पहले ये पर्सन जितना प्रैक्टिकल था ना, अब ये पर्सन उतना ही इमोशनल हो गया है। ये दिल से सोच रहे हैं और दिल से ही अब इस रिश्ते का कोई फैसला ये करना चाहते हैं। ओके, दिल से ही फैसला लेना चाहते हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये अब पहले की तरह लॉजिकल और प्रैक्टिकल नहीं होंगे। ओके, जब बात दिल की आ जाती है ना, तो फिर इंसान के लॉजिक्स काम करने बंद कर देते हैं। ट्रैवलिंग, हैव माय किड्स, मे बी यहाँ पर मुझे दो रीजंस नजर आ रहे हैं। पहला ये कि आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या एज गैप भी आप दोनों के बीच में हो सकता है, एंड ऐसा भी पॉसिबल है कि आप में से कोई एक मैरिड है, आपके पार्टनर मैरिड हैं, उनके जहाँ पर वो मैरिड है वहाँ पर हो सकता है कि उनके बच्चे भी हैं, किड्स भी हैं। और ये हो सकता है कि अपने पार्टनर से तो अटैच नहीं है, लेकिन अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, अपने किड्स से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, जिस वजह से ये थर्ड पार्टी को भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। ओके, तो पहली तो ये चीज़ है जहाँ पर ये अपने बच्चों से इतने अटैच्ड हैं कि ये आप छोड़ कर वहाँ पर चीज़ें आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ओके, और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, जहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपसे मैरिड हो चुके हैं, आपसे मैरिड हैं, बच्चे हैं आपके साथ, या आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, बट इनकी खुद की फैमिली बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, या इनकी खुद की फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं, जिस वजह से ये आपकी तरफ आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत अटैच्ड हैं ये आपसे। तो ये दोनों ही सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। ओके, सो दिस इज मदर्स वाउंड, आउटसाइडर की एनर्जी मदर्स वाउंड की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही है। हो सकता है ये किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए थे, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस रहा है कोई, ठीक है, इनके मदर फादर, इनकी फैमिली, इनके कोई फ्रेंड का, किसी का तो इन्फ्लुएंस रहा है आपके पार्टनर के ऊपर, है ना, जिस वजह से ये पर्सन ने आपको छोड़ दिया, आपसे बात बंद कर दी। और आज पता है आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, उन्हें महसूस हो रहा है कि इन्होंने दूसरों की बातों में आकर बहुत बड़ी गलती करी है। जिन लोगों की बातों में आए थे ना ये पर्सन, आज वही लोगों ने आपके पार्टनर को अकेला कर दिया, अकेला छोड़ दिया। मोरालिटी, अटेंशन ऑफ अदर्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, सोसाइटी से मतलब सोसाइटी के बारे में सोचना, रिलेटिव्स के बारे में सोचना। हो सकता है आप दोनों में एज गैप है, ठीक है, या स्टेटस गैप आप दोनों के बीच में हो सकता है, आप अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस के हो, वो नहीं है, या वो फाइनेंशियल स्टेटस के अच्छे लेकिन आप इतने हाई फाइनेंशियल स्टेटस के नहीं हो, तो देर इज़ अ स्टेटस गैप ऑल्सो। और वो बहुत ज़्यादा रिलेटिव सोसाइटी के बारे में सोचते हैं कि अगर वो आपसे शादी कर लेंगे या आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो ये सोसाइटी का इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके पार्टनर पर। कंपैरिजन की एनर्जी को लाइक माय ड्रीम की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये पर्सन आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जब ये याद करते हैं ना कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी कैसी थी और आपके बिना इनकी ज़िंदगी कैसी है, ये बहुत अपसेट हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि आपके साथ ये कितने खुश थे, फ्रीडम में जी रहे थे, एक अपनापन था आपके साथ, एक अच्छी वाइब्रेशंस आपके साथ मिलती थी। जब भी आपसे बात करते थे ना, यू वर लाइक, क्या आप कभी जज नहीं करा आपने किसी भी चीज़ को, एंड ये आपके साथ सब कुछ शेयर कर सकते थे, आपसे पूरी गाइडेंस लेते थे। तो यस, अब इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स और है ही नहीं। तो यस, ये जब कंपेयर करते हैं ना दोनों लाइफ को, आपके साथ और आपके बिना, तो ये रियलाइज करते हैं कि आपके साथ ये कितने खुश थे। रिबेल की एनर्जी ये क्लैरिफाई कर रही है। ट्विन फ्लेम, आप दोनों देखो ट्विन फ्लेम हो, एंड ट्विन फ्लेम जर्नी इज नेवर ईजी।
है ना, आप ट्विन फ्लेम्स हो, ट्विन फ्लेम जर्नी कभी इजी नहीं होती है, उसमें बहुत अप्स एंड डाउन आपको देखने पड़ते हैं। शायद ये भी उसी जर्नी का एक पार्ट है जो आप दोनों को फेस करना पड़ा है। एक्सपीरियंस तो कर रहे हैं आपके पार्टनर, इज इट ट्रू? ओके, दिस पर्सन इज जेलस ऑल्सो। मे बी आप इन्हें कुछ ऐसा फील करवा रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई और है, या आप कहीं और एंगेज हो चुके हो, एंड यस ये पर्सन नहीं चाहते कि आप इनके सिवाय किसी और को अटेंशन दो, किसी और के बारे में सोचो या किसी और के साथ एंगेज हो जाओ, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अगर आप ऐसा इन्हें शो भी कर रहे हो ना, ये पर्सन हाईली जेलस और पोजेसिव फील कर रहे हैं आपके लिए, कि आपके लिए फाइट करने को भी तैयार हैं, बट ये आपको किसी और का नहीं होने देंगे। अगर आप इन्हें ये शो कर रहे हो कि आपके घर वाले कहीं और आपकी शादी करा रहे हैं ना, ये पर्सन ये सुनकर भी बहुत अपसेट है, ठीक है, वो आपको कहीं और शादी नहीं करने देना चाहते, वो चाहते हैं आपसे शादी करना, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना। ओके, सो यस, ये पर्सन बहुत जेलस, इनसिक्योर, पोसेसिव आपके लिए नजर आ रहे हैं। यू कैन सी ना द जेलसी ऑन द कार्ड, आप दिख रहे हैं जेलसी फायर एनर्जी। सो यही चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। हो सकता है वो आपके सामने आकर आपसे पूछना भी चाहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम किसी और को डेट कर रही हो सकता है ये आपसे आकर सामने फेस टू फेस ये चीज पूछना चाहते हैं। तो यस, ये क्यों है? क्योंकि ये इनसिक्योर हो रहे हैं आपको लेकर, लेकिन ये इनसिक्योरिटी उनको ट्रिगर कर रही है कि आपसे बात भी करें। तो लेट देम इनसिक्योर, उनकी इनसिक्योरिटी को अभी आपको क्लियर करने की जरूरत नहीं है, बाय टाइम उनकी इनसिक्योरिटी भी क्लियर हो जाएगी। चलिए लव मैसेजेस देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। सो आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स, मैं सारी होप्स खो चुका हूँ आपके पार्टनर जैसे आपको कहना चाहते हैं। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, आप बहुत स्पेशल हो उनके लिए। कई बार उन्हें लगता है कि आप उन्हें प्यार भी नहीं करते हो, आपके दिल में उनके लिए कुछ नहीं है। ये आपसे कहें या ना कहें कि इनके दिल में आपके लिए क्या है, कितना प्यार, कितनी फीलिंग्स हैं, ये आपको समझाना चाहते हैं कि क्या क्या फील करते हैं आपके लिए, और आप इन्हें समझो ये चाहते हैं। इन्हें बहुत अफसोस है, ये पहले नहीं समझ सके कि इनके दिल में आपको लिए कितना गहरा प्यार है जो छुपा हुआ है, या जो भी है ना, उस सिर्फ आपकी वजह से उसका पूरा क्रेडिट ही आपको देते हैं। इन्होंने गलतियां करी हैं, किसी और को चुन लिया, किसी और की तरफ गए, गलतियां तो करी हैं आपके पार्टनर ने, और उन्हें सुधारेंगे भी खुद। इन्हें पता है कि सुधारना तो इन्हें पड़ेगा, जब रायता इन्होंने फैलाया तो समेटना भी तो इन्हें पड़ेगा, राइट? सो ग्रेट गाइज, ये आज की रीडिंग थी। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं, क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लाइक कमेंट फॉलो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बाय बाय।